हेलो फ्रेंड्स, सर्वेइंग। आज हम सर्वेइंग का चैप्टर सेकंड करते हैं, जो है चेन सर्वेइंग। तो चेन सर्वेइंग चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि चेन सर्वेइंग है क्या और किस तरीके से हम चेन सर्वेइंग कर सकते हैं, और उससे बहुत सी जुड़ी हुई बातें भी हम जानेंगे। तो आइए उन टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं जो हम चेन सर्वेइंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है चेन सर्वेइंग, यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग है क्या। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्या है चेन सर्वेइंग का, किस प्रिंसिपल के आधार पे हम चेन सर्वेइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन इन चेन सर्वेइंग, अब हम उन ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जो चेन सर्वेइंग के अंदर यूज हो रहे हैं, जैसे कि रेंजिंग, चेनिंग एंड ऑफसेटिंग, इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रेंजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसके बाद हम जानेंगे कि हम जो रेंजिंग करते हैं वो डायरेक्ट मेथड से भी होती है और इनडायरेक्ट मेथड से भी, तो दोनों हम देखेंगे। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेनिंग, चेन एरोस, टेप्स, रेंजिंग रोड्स, ऑफसेट रोड्स, पैक्स, ये बोलता है कि हम बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं किसके लिए, चेनिंग के लिए। उनमें से जो है वह है चेन है, हम चेन का प्रयोग करेंगे चेनिंग के लिए, एरोस का प्रयोग करेंगे चेनिंग के लिए, टेप्स का प्रयोग करेंगे चेनिंग के लिए, रेंजिंग रोड का प्रयोग करेंगे चेनिंग के लिए, और ऑफसेट रोड का यूज करेंगे चेनिंग के लिए, और पैक का भी यूज करेंगे चेनिंग के लिए। यानी कि ये सभी जो पॉइंट्स हैं, इन सभी का हम प्रयोग करेंगे, इन्हें हम बोलेंगे क्या, इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स का हम प्रयोग करेंगे चेनिंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड, अब हम चेनिंग जो करते हैं किस पे करेंगे, कैसे सरफेस पे करेंगे, तो फ्लैट ग्राउंड पे करेंगे। तो फ्लैट ग्राउंड पे किस तरीके से चेनिंग होती है इसके बारे में जानेंगे। चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, उसके बाद अगर हमारे पास स्लोपिंग ग्राउंड आ जाता है तो उसमें हम चेनिंग कैसे करेंगे, इस पॉइंट में जानेंगे। नेक्स्ट, और हम एग्जाम्पल भी जानेंगे कि जो स्लोप मेजरमेंट है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, एरर इन चेनिंग, जब हम चेनिंग करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर एरर्स आ जाते हैं, तो उन एरर्स के बारे में भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें इलिमिनेट कर रहे हैं वो एरर्स। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टेक इन चेनिंग, जब हम चेनिंग करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। जब हमें पता होगा कि हम ये मिस्टेक कर सकते हैं तो हमें उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए वो मिस्टेक्स को नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट्स ऑफ एरर इन चेनिंग, उसके बाद हम लिमिट्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या लिमिट्स हैं एरर चेनिंग के अंदर। जब हम चेनिंग करते हैं तो उसके अंदर एरर आता है, तो उसके लिमिट्स क्या है। एरर इन लेंथ ड्यू टू इनकरेक्ट चेन, उसके बाद हम जो लेंथ है हमारी किसके अंदर, इनकरेक्ट चेन के अंदर, यानी कि हमने इनकरेक्ट चेन ली और उससे हमने मेजर करी एक लेंथ, तो उसमें जो एरर आएगा वो इस पॉइंट के थ्रू हम निकाल सकते हैं। एरर इन वॉल्यूम, जो एरर है वॉल्यूम के अंदर क्या होगा जब हम इनकरेक्ट चेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके जो एग्जांपल्स हैं कि उसको करेक्शन कैसे करेंगे, जब हम लीनियर मेजरमेंट लेते हैं एरियाज में, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट लाइक दैट बिटवीन टू पॉइंट्स और एरियाज, ठीक है, जिसमें हमें लेंथ और विड्थ दी होगी। ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, उसके बाद जब हम चेनिंग करते हैं तो उसमें रुकावटें क्या क्या आती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, और एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं चेनिंग के अंदर। उसके बाद हम करते हैं ऑफसेटिंग, कि ऑफसेटिंग क्या है चेन सर्वेइंग के अंदर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स टेप, अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ताकि हम सेटिंग आउट कर सके राइट एंगल्स, ठीक है, यानी कि अगर हमें आवश्यकता पड़ती है ग्राउंड पे राइट एंगल्स की
तो हम कैसे बनाएंगे? राइट एंगल टेप से, क्रॉस स्टाफ से और ऑप्टिकल स्क्वायर से। ये इंस्ट्रूमेंट है जिनका हम प्रयोग करते हैं राइट एंगल्स के लिए। टर्म्स, नेक्स्ट पॉइंट, टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन चेन सर्वेइंग फ्रेमवर्क। और कुछ और टर्म्स है जो हमारे चेन सर्वेइंग में यूज होते हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क है, सर्वे स्टेशन है, बेस लाइन्स है, चेक लाइन है, टाई लाइन है। ये थ्योरेटिकल बेस पॉइंट है जिन्हें हमें जानना आवश्यक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशनल साइन और सिंबल, यानी कि वो सिंबल्स और साइन जिनका हम प्रयोग करेंगे चेन सर्वेइंग के अंदर, हमें जानना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड वर्क इन चेन सर्वेइंग। हमें ये भी पता होना चाहिए कि चेन सर्वेइंग के अंदर क्या क्या फील्ड वर्क आते हैं जो हमें मदद करेंगे चेन सर्वेइंग में। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग फील्ड नोट्स। जब हम चेन सर्वेइंग करते हैं तो फील्ड वर्क करना होता है, तो उसका जो डाटा है वो डाटा कहाँ पे स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं? फील्ड नोटबुक में। तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि एक सिंगल लाइन होती है और एक डबल लाइन होती है फील्ड बुक, तो उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्लॉटिंग और चेन सर्वेइंग, किस तरह हम चेन सर्वेइंग को प्लॉट करें कि सर्वे आसानी से कर सकें। एंड नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग द चेन। और सबसे आखिरी का पॉइंट कि हमें चेन को किस तरह टेस्ट करें कि एरर्स ना आए, और किस तरह एडजस्ट करें कि एरर ना आए। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।